नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला आज भी बड़ा है। मसला ये है कि लगता है हरियाणा में जो पुलिस वाले हैं उनका काम सिर्फ नेताओं को बचाना है इस वक्त, और उसके लिए चाहे वो किसानों का सिर फोड़ें या अपना फोड़वाएं। ये हम क्यों कह रहे हैं, इस मसले पे हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को आपने देखना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसको समझना है कि एक पुलिस अधिकारी वहां पर क्या बोल रहे हैं। तो आपने सुना, देखा भी, एक पूरी टीम है पुलिस की और एक शायद उनको लीड करने वाले पुलिस के अधिकारी हैं और वो बोल रहे हैं। ये जो आजकल किसान जो है विरोध कर रहे हैं नेताओं का, उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है। हमें कैथल से ये वीडियो भेजी गई है और वहाँ पर भी शायद ऐसा विरोध हुआ है, किसानों ने विरोध जताया है। आपको पता, वहाँ पर भी नेता गए थे, लेकिन वहाँ पर एक पुलिस वाले अपनी टीम को क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि या तो सिर फोड़ देना या अपना फोड़वा लेना, मतलब जाने नहीं देना है। दो हर्फी बात ये है। अब ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे ही किसी पुलिस अधिकारी की बात पूरी पुलिस वहां पर मान ले, उसके आदेश को ऐसे फॉलो कर ले, तो फिर हरियाणा में लगता है रोज ही सिर फूटेंगे, चाहे वो किसानों के फूटे या फिर पुलिस वालों के। मतलब किसान और पुलिस आमने सामने हैं, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, और नेताओं को पुलिस बचाकर ले जाती है। क्योंकि आपको पता है, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर रखा है कि सत्ता पक्ष के नेताओं को कोई भी प्रोग्राम करने नहीं दिया जाएगा। तो उसी को लेकर जहां पर भी कोई नेता जाता है किसी कार्यक्रम के लिए, तो काफी किसान इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन नेता और किसानों के बीच में काफी तादाद में हम पुलिस भी देखते हैं पिछले कुछ दिनों से, और पुलिस भी उसी तादाद में होती है जिस तादाद में किसान होते हैं, और कई बार हमने देखा है आपस में भिड़ते हुए भी, यानी पुलिस और किसान आपस में भिड़ रहे हैं, यानी किसान बैरिकेड्स भी तोड़ रहे हैं और आगे से पुलिस फिर उन पर लाठी डंडा भी चला रही है या पानी की बौछारें उन पर चला रही हैं, आपने देखा होगा। लेकिन अगर ऐसे किसी पुलिस वाले की बात वहां पर मौजूद पुलिस मानने लग गई, तो फिर क्या हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब तक जो हरियाणा में हुआ है, जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं नेताओं के, लगता है बहुत सारे सिर जो है वो फूट जाते हरियाणा में। क्या है कि किसानों ने अगर ऐलान कर रखा है, किसान अपना विरोध कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस को बहुत संयम तरीके से काम लेना होता है। धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, कई बार जो धरना प्रदर्शन है वो उग्र भी हो जाता है, लेकिन उसको लेकर अगर सामने से पुलिस भी उग्र हो जाती है, तो फिर हालात जो हैं वो बहुत बिगड़ सकते हैं, और उसका फिर आगे क्या कुछ निकलेगा, इसका आप अंदाजा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। सो इस पर बहुत सोचने की जरूरत है सरकार को भी, और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि ऐसा कोई मैसेज किसी की ओर से भी नहीं जाना चाहिए। और ऐसी अगर कोई बात कोई और करता और वो ऐसे रिकॉर्ड हो जाती, मतलब कोई आम बंदा करता, कोई किसान करता या कोई और, तो उसको फिर पुलिस उठाकर अंदर डाल देती कि ये तो भड़का रहा है, ये वो कर रहा है, ये उकसा रहा है। लेकिन अब पुलिस खुद ऐसा कर रही है, तो क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सोचना है पुलिस के बड़े अधिकारियों को, सरकार को, क्योंकि शांति अभी तक बनी हुई है हरियाणा में। बेशक विरोध हो रहा है पिछले काफी समय से नेताओं का, लेकिन अभी तक हरियाणा में कुल मिलाकर हालात ठीक लग रहे हैं और अभी चल रहे हैं। सो ऐसा ना हो कि ऐसे किसी पुलिस वाले की वजह से, मतलब या किसी और की वजह से, कि जो हालात जो हैं वो तनावपूर्ण हो जाएं और काफी बिगड़ जाएं। सो मसला ये छोटा नहीं, ये मसला बहुत बड़ा है। इस पर आपने भी अपनी राय देनी है कि
कि आपने इस वीडियो को देखा और सुना, आपको क्या लगता है, और आपने इस मसले को शेयर भी करना है ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे, बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचे और वो कोई संज्ञान ले। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई और बड़ी अपडेट्स इसी आंदोलन को लेकर या कुछ और जो चल रहा है उसको लेकर, तो फिर द मसला के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलिएगा, ताकि जो हमारा अगला मसला है, अगली वीडियो है, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।